हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचटेट, सीटेट, नेट या किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप जून 2014 में नेट ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सेकंड पेपर था जिसमें कि 50 क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन देख सकते हैं। इससे पहले नेट ज्योग्राफी के एग्ज़ाम से रिलेटेड 2004 से और 2013 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सरल भूदृश्य। नेक्स्ट है, दीर्घ आकारीय स्पाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं, उनको किस नाम से पुकारा जाता है? उनको बोला जाता है व्हेलबक। नेक्स्ट है, ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है अकर्मवर्ती। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पुस्तकें दी हुई है और उनके लेखक दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन सी बुक का राइटर कौन है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमोर्फोलॉजी ये लिखी है W.D. थोर्नबरी ने, द स्टडी ऑफ लैंड फार्म्स ये लिखी है R.J. स्माल ने, अनस्टेबल अर्थ इसके जो राइटर है वो है J.A. स्टीयर्स, और मोर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ इसके राइटर है L.C. किंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है, ढाल प्रतिस्थापना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया है पैंक ने, ये भी पहले पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन पेपर में ही आप देखेंगे कि जो मोस्टली क्वेश्चन है वो पहले भी पूछे जा चुके हैं, और इसके बाद अभी जो हुए हैं 2019 तक जो एग्जाम हुए हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको अच्छे से कर लेते हैं तो इससे आपके नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यह है कोटेश्वरम ने। जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार ई या ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जो चुंबकत्व है वो प्रभावित नहीं करता, बाकी दाब प्रवणता, घर्षण और कोरियोलिस प्रभाव ये सभी पवन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? ये होना चाहिए मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव स्थिति में गए बगैर ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उसको बोलता है उदरोत्पाटीकरण। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है, तो ये होता है गैसोलीन मोटर निकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाकार गति क्या कहलाती है? ये कहलाती है उदरोगमन, अपवेलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतह तलछट से चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधुपंक समाविष्ट है? यह जीवजात, बायोजीन्स। शाकभक्षी और मांसभक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लक्कड़बग्घा की विशाल जनसंख्या पाई जाती है, ये पाई जाती है अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है, दो सूची दी हुई है इनको, तो हरित पादप ये क्या होता है, उत्पादक, पशु परजीवी, ये द्वितीयक उपभोक्ता, पादप परजीवी ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और कवक क्या होते हैं अपघटक, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है? ये देता है विधि निर्माण अध्ययन पर।
ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पूछा जा चुका है पहले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो अल मसूदी है, इसके जो बुक का नाम दिया हुआ है, ये सही नहीं है। बाकी जो दिए हुए हैं तीनों, ए, बी और डी, इनकी बुक का नाम है वो सही दिया हुआ है। इबन खलदून, इन्होंने लिखी है मुकादिमा। अल बालाखी, इन्होंने लिखा है किताबुल अशकल। और अल बिरूनी, इन्होंने लिखी है किताब अल हिंद। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है भूगोलवेत्ता, और किसने कौन सी अवधारणा दी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है एफ रेटजेल, इन्होंने दी है सामाजिक डार्विनवाद। सी रीटर, इन्होंने दी है उद्देश्यवादी विचार। आर हार्शोन, इन्होंने दिया है क्षेत्रीय विभेद। और ओ स्लूटर, इन्होंने दिया है भूदृश्य विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में निम्नलिखित में से किसका सही अनुक्रम है? तो ये है पैशल, रेटजेल, हेटनर, ट्राल। विश्व रचना, कोस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किया? तो ये किया था ए हम्बोल्ट ने। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रिचर्ड हार्टशोन। नेक्स्ट है, शुद्ध जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये होता है मृतत्या और प्रजननता के द्वारा। तो ए और सी दोनों सही आंसर है। ग्रामीण घर किसका सूचक है? तो जो ग्रामीण घर है वो पर्यावरण का सूचक है। नगरीय वृद्धि की गतिकी में आरंभ की अवस्था किससे संबंधित है? तो यह है वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन है? तो टूंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन स्लेज है। चेन्नई बेंगलुरु गलियारे कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है? तो यह ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर आधारित। हाल ही से नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर रहता है? तो इसमें प्रमुख फोकस है वो गुच्छ विकास पर रहता है। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? ये आता है चतुर्थक गतिविधि में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही कथन सही हैं। भूरा कोयला और निम्न श्रेणी का बिटुमिनस कोयला चतुर्थ कल्प में बने। डोलोमाइट का लोहा एवं इस्पात उद्योग में उच्च ताप सह सामग्री तथा फ्लेक्स के रूप में उपयोग होता है। सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत तथा बायोगैस नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, एल्बर्ट उलमैन के मॉडल में वर्णित स्थानिक अंतःक्रिया के तीन आधार क्या है? तो ये तीन आधार है पूरकता, स्थानांतरणीयता और अंतर्वर्ती अवसर। नेक्स्ट है, जापान अपने किन कारणों से विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है? तो इसका करेक्ट आंसर है विकसित जलीय विद्युत के कारण और उच्च स्तर की प्रौद्योगिकीय क्षमता के कारण। नेक्स्ट है, इसमें दो कथन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही है इनमें से या दोनों ही सही है। इसमें अभिकथन है, उन्नत प्रकार के रबड़ वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबड़ के साथ अमेजन बेसिन का रबड़ समृद्धि से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं, ये भी सही है। तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। इसका जो आंसर है वो हो गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्कृति क्षेत्र की विशेषताएं हैं? प्राचीन सभ्यता और क्लासिकीय संस्कृति की परंपरा, प्राचीन नगर राज्यों का उत्थान और कृषि और अंगूर की खेती समेत बागवानी का महत्व। तो ये सब दिया जाता है भूमध्य सागरीय संस्कृति में। करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की विशेषता है? तो ये विशेषता है थारू जनजाति की। नेक्स्ट है, लोक नीति का भूगोल किसके भौगोलिक अध्ययन के साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है लोक नीतियों का सृजन और क्रियान्वयन,
इसके साथ नहीं है, ये होगा लोक नीतियों का क्रियान्वयन और निगरानी, और लोक नीतियों का सृजन और मूल्यांकन। सेकंड और थर्ड ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार से है? ये है हिब्रू। नेक्स्ट, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विषुवद्वीप को वश में रखता है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैकिंडर का। इसको अच्छे से याद कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट, भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? ये है पीसी महालबोनिस के आधार पर, और ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। प्रादेशिक विकास है तो ये है बहुप्रक्रियात्मक उपागम। नेक्स्ट है, हफशिमिट के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में उसके विकास के मुख्य चरणों में काल अनुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो इसमें सबसे पहले होगा प्राकृतिक संसाधन अभिमुखता, नेक्स्ट सांस्कृतिक प्रदेशवाद अभिमुखता, प्रादेशिक विज्ञान अभिमुखता, और उसके बाद महानगरीय अभिमुखता। नेक्स्ट है, किसने यह व्याख्या की है कि केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है? तो यह व्याख्या की है मिंचुल ने। कृषि क्षेत्र है तो जो कृषि क्षेत्र वो क्या है? समरूप प्रदेश। नेक्स्ट है, दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो इसमें है पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट है, कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन और सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है झरिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा निम्नतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः कहाँ अंकित किया गया? ये अंकित किया गया बिहार और नागालैंड में। नेक्स्ट है, वृहत भारतीय मरुस्थल थार में सिंचाई की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वहाँ पे महत्वपूर्ण स्रोत है नहर। सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यह है नर्मदा नदी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, दो सूची दी हुई है, इनको सुमेलित करना है। तो दृश्यमान क्षेत्र, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 0.4 से 0.7 सूक्ष्म मीटर। लगभग अवरक्त, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 0.7 से 3.0 सूक्ष्म मीटर। सूक्ष्म तरंग, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 1 मिलीमीटर टू 1.0 मीटर। और तापीय अवरक्त, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 8 to 12 सूक्ष्म मीटर। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों का वितरण दर्शाने के लिए प्रवाही मानचित्रों का उपयोग किया जाता है? तो ये है रेखा मानचित्रों का। नेक्स्ट है, संचयी आवर्ती वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो संचयी आवर्ती वितरण है वो तोरण या ओगिव के द्वारा दर्शाया जाता है। ये नेट जून 2014 ज्योग्राफी के एग्जाम में पूछे गए 50 क्वेश्चन हैं। इसका जो थर्ड पेपर था उसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगर आप HTET, CTET, NET या ऐसे ही किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।